हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघावर द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 36 है, जिसमें हम बात करेंगे डिलीट ऑपरेटर की। वो डिलीट ऑपरेटर की हेल्प से आप किसी भी एरे के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। तो बेसिकली नोटपैड प्लस प्लस का मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ, वो कुछ इस तरीके से है। हमारे यहाँ पर एक बटन क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ बटन टैग। मैंने इस बटन पर एक ऑन क्लिक, मैंने यहाँ पर माउस का इवेंट कॉल किया है, जिस पर मैं एक फंक्शन कॉल करा रहा हूँ माई फन, ठीक है। फिर मैंने एक br टैग दिया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक p टैग बनाया है, p टैग को मैंने id दिया है my p, और फिर एक br टैग लगाया, उसके बाद मैंने id दिया है रिवर्स p, ठीक है। तो ये हमने दो टैग इसलिए लिए हैं कि एक में हम विदाउट डिलीट एरे को प्रिंट करेंगे, एक में एक एलिमेंट को डिलीट करने के बाद प्रिंट करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वेयर नाम से कार नाम का एक यहाँ पर एक मैंने एरे क्रिएट किया है, जिसे मैंने कुछ न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड की है। उसके बाद मैंने फंक्शन को क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड एंड माई फन नाम का फंक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विदाउट डिलीट किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को डिलीट नहीं करेंगे, पहले हम प्रिंट कराएंगे माई पी आई डी में। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डी ओ सी यू एम ई एन टी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एम ई एन टी एलिमेंट बाई आई डी। और बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम आई डी का नाम देंगे जिसका नाम है माई पी, ठीक है। मतलब कि मेरे इस डॉक्यूमेंट में जिसका भी आईडी का नाम माई पी है उसको सेलेक्ट कर लो। तो सेलेक्ट कर लिया, अब उस पर डॉट लगा रहा हूँ मैं इनर एस्टिमेट। इनर एस्टिमेट काम आता है किसी भी एलिमेंट टैग में लिखने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एरे को पास कर दिया और सेव कर दिया। अब आया मैं यहाँ पर और मैंने रिफ्रेश किया, मैं डिलीट बटन पर क्लिक किया, तो यहाँ पर जैसे हमारी एरे की वैल्यू है सारी सारी प्रिंट हो गई। अगर मैं चाहता हूँ किसी भी एक वैल्यू को डिलीट करना, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा डिलीट ऑपरेटर डी ई एल ई टी डिलीट। किसको डिलीट करना है, कार एरे को, कौन से एलिमेंट को, एलिमेंट पास कर दूंगा जैसे कि दूसरा। तो दूसरा मतलब कि इंडेक्स वैल्यू हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, मतलब कि 0 1 2, तो 8 ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से इसको प्रिंट करा लेते हैं अपने दूसरे पी टैग में। इस तरीके से आई डी चेंज कर दूंगा, इसकी आई डी है मेरी रिवर्स पी, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी, सेव किया मैंने, अब किया रिफ्रेश, अब मैंने किया डिलीट पर क्लिक। तो ये जो पहला एरे है विदाउट डिलीट है, और ये देखिए मेरी वैल्यू डिलीट होने के बाद जो एलिमेंट मैंने मेंशन किया था यहाँ पर दूसरे पे 88, मतलब दूसरा इंडेक्स नंबर 0 1 2, वो डिलीट हो चुका है। बट डिलीट हो चुका है लेकिन यहाँ उसका स्पेस है, अभी यहाँ उसकी जगह खाली है, क्योंकि देखिए कोमा यहाँ पर 52 के बाद 2 कोमे है, मतलब कि बीच में यहाँ पर वो पूरी तरीके से डिलीट तो हो चुका है लेकिन उसकी प्लेस अभी यहाँ पर है, इंडेक्स नंबर जो 2 है वो अभी यहाँ पर अपने आप को रखता है। अगर मैं चेक करूं तो देखो मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं एलिमेंट की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं एलिमेंट की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, अगर मैं 2 की पूरा एलिमेंट ना प्रिंट करा के सिर्फ मैं एलिमेंट 2 को प्रिंट करता हूँ और करता हूँ रिफ्रेश डिलीट। ये देखिए यहाँ पर क्या है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब कि यहाँ पर आपने कोई वैल्यू नहीं दी है, अनडिफाइंड मतलब कि यहाँ से वैल्यू गायब हुई है ऐसे, लेकिन पूरी तरीके से ये जो एरे है हमारा उसमें उसकी स्थान बना हुआ है, उसकी प्लेस बनी हुई है। तो उसको हटाने के लिए हमें इन एरे को मूव करना पड़ता है आगे पीछे, ताकि वो जो हमारा एरे हम की वैल्यू एलिमेंट हमने डिलीट किया है उसकी जो अभी भी प्लेस बनी हुई एरे में वो हट जाए। तो उसके लिए हम अलग मेथड यूज़ करते हैं एरे के। तो बेसिकली डिलीट जो ऑपरेटर होता है उससे आप किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को डिलीट कर सकते हो, बट पूरी तरीके से वो एलिमेंट वहाँ से गायब नहीं होता है, ठीक है। तो अगर बेसिकली अगर मैं डिलीट मेथड ना चलाऊं, सपोज मैं इसको यहाँ पर मैंने स्लैश कर दिया, डबल कमेंट कर दिया, अब मैंने सिर्फ यहीं से इसको उड़ा दिया, तो क्या आउटपुट आएगा, रिफ्रेश करते हैं डिलीट, देखिए अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है। तो बेसिकली डिलीट का मतलब होता है यहाँ से वैल्यू हटा देता है, लेकिन एरे के अंदर जो इंडेक्स नंबर 2 है उसकी वैल्यू अभी प्रेजेंस करती है, वो अपने आप को प्रेजेंस करता है। तो डिलीट ऑपरेटर काम होता है किसी भी एलिमेंट को हटा देना, लेकिन उसकी प्रेजेंसनेस को हटाने के लिए हम अदर मेथड यूज़ करते हैं। वो सिर्फ डिलीट करता है एलिमेंट की वैल्यू को, ना कि पूरे एलिमेंट को। तो आई होप ये लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छा लगा हो, इसमें आपने सीखा किस तरीके से डिलीट ऑपरेटर काम करता है। और अगले लेक्चर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर अगर पे आप नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।